हेलो एंड वेलकम जोहर नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 8 और एक्सरसाइज 15.1 क्या बोलता है इसको देखा जाए। बोलता है दी गई आकृति है, दो प्रकार की आकृति है। यहाँ क्वेश्चन में घनाभाकार लिखा हुआ था लेकिन आप घनाभाकार ना समझिएगा, एक घनाभाकार है और एक घनाकार है, दो आकृति है। इन दोनों आकृतियों में किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो जब यह डब्बा बनाने की बात होगी भाई तो डब्बा बनाना होगा, तो डब्बा बनेगा तो उसके लिए निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि कौन सा लगाए, संपूर्ण लगाए हुए कि पार्शल लगाए। तो जब पूरे डिब्बे की बात होगी तो संपूर्ण लगेगा और कुछ और होता तो फिर दूसरा लगता है। तो इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए चलते हैं हल। क्योंकि घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 70 सेंटीमीटर तथा घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B बराबर 40 सेंटीमीटर एवं घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई के बाद ऊंचाई H बराबर 60 सेंटीमीटर, इसलिए क्या निकलना होगा, घनाभाकार डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या कह सकते हैं कि घनाभाकार डिब्बे को बनाने में लगा आवश्यक सामग्री, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। कौन सा फॉर्मूला, 2LB + BH + HL वाली। इधर आता हूं, 2LB 70 × 40 है प्लस फिर 40 × 60 है और यहां प्लस है फिर 60 × 70। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 7 = 28 280 हो गया, यहां 2800 होगा, यहां 2400 होगा और यहां 4200 होगा। अब इन लोगों को तीनों को ऐड कर दीजिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 8 × 2 = 10 4 × 14 = 4 हाथ में 1 और 4 × 6 = 8 4 × 6 = 8 और 1 = 9 आया 9400। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 0 0 2 4 × 8 और 9 × 2 = 18 मतलब 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बनाने में लगा आवश्यक सामग्री की मात्रा इतना है। अब चूंकि यहां बोल रहा है घन की भुजा है, हम लोगों को पता है कि घन की भुजा जो होती है, घन की भुजा जिसको हम लोग L बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। L मान लिया 60 सेंटीमीटर घन की भुजा, इसलिए घनाकार कर देते हैं, घनाकार डिब्बे बनाने में लगा सामग्री कहिए या कह सकते हैं कि घनाभाकार डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप पर डिपेंड करता है। तो घनाभाकार डिब्बे बनाने में लगा सामग्री या इसकी क्या हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो 6L² होता है। 6L का वैल्यू कितना है, 60 है, तो हो जाएगा 6 × 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर होता है 3600। अब यहां आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 लग जाएगा, 6 × 36 के 6 हाथ में 3 6 × 18 = 19 = 21। ये रहा इसका
दोनों का आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या दोनों को बनाने में लगा सामग्री। लेकिन प्रश्न यह है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहां स्पष्ट है, देखने से पता चल रहा है, कहता है घनावाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आएगा, और आएगा तो तुरंत लाइक बटन ठोकेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।